हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ईशु और आज हम बात करेंगे दो बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में जो कि है डैंड्रफ एंड स्कैल्प सोराइसिस। क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोग इन दोनों ही टॉपिक के बीच बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम डैंड्रफ के बारे में। तो डैंड्रफ तो आप लोगों को पता ही होगा, हर कोई वंस इन अ वाइल इस सिचुएशन से गो थ्रू करा ही होता है। तो डैंड्रफ में बेसिकली क्या होता है, ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है। ठीक है, ये कोई सीरियस कंडीशन नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि स्कैल्प से फ्लेक्स फॉल ऑफ कर जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे फ्लेक्स, वाइट फ्लेक्स फॉल ऑफ कर जाएंगे। वो आपके बालों में भी अटक सकते हैं, वो आपके कपड़ों में गिर सकते हैं। ठीक है, आपके शोल्डर्स पे, और इसमें आपको खुजली भी मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें सोराइसिस की, तो ये क्या है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। ऑटो इम्यून से मतलब है कि हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से ही ये कॉज होती है। तो होता क्या है इसमें कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे हेल्दी स्किन सेल्स पे अटैक कर देता है। इस वजह से क्या होता है कि जो स्किन सेल्स होती हैं वो रैपिडली ग्रो करते जाती हैं। वो कैसे, जहाँ वो वीकली प्रोड्यूस होती थी वहाँ वो अब डेज में प्रोड्यूस होने लगती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम की मैलफंक्शनिंग के वजह से। तो ऐसे में क्या होता है कि वो स्किन सेल्स जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होती हैं, तो वो पाइल अप कर जाती है, इकट्ठा हो जाती है, और इस वजह से सोराइसिस का पैच डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे इनके सिम्टम्स पे। तो पहले हम बात करें अगर डैंड्रफ के सिम्टम्स की, तो इसमें क्या मिलेगा। पहली चीज़ तो आपको फ्लेकिंग मिलेगी, जैसे कि मैंने बताया वाइट फ्लेक्स मिलेंगे, छोटे छोटे फ्लेक्स मिलेंगे इसमें आपको। ठीक है, वहीं अगर हम सोराइसिस की बात करें तो इसमें आपको क्या मिलेगा, थिक सिल्वरी स्केल्स मिलेंगे, मोटी मोटी पपड़ी जैसे मिलेंगे। जैसे कि डैंड्रफ में छोटे छोटे कण होते हैं, तो इसी के अगर 100 कण आप मिला दो तो वो उतना पपड़ी इसमें आपको मिलेगी सोराइसिस में। और इसमें साथ ही साथ आपको रेड और रेस्ट पैचेस भी मिलेंगे, उठे हुए उभार वाले पैचेस। ठीक है, अब आते हैं हम इनके कॉजेस पे कि किन कारणों से ये चीज़ें होती हैं। तो पहले हम आते हैं डैंड्रफ के कारणों के बारे में जान। तो डैंड्रफ की अगर हम बात करें तो ये कैसे होता है। पहला रीज़न है इसमें आपका, सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न है ये, कि ये होता है आपके फंगल इन्फेक्शन की वजह से। तो जो एक फंगाई है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी होता है, जिसका नाम है मेलेसीजिया, तो ये क्या करता है, इसकी ओवरग्रोथ हो जाती है, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाता है, और वो क्या लीड करता है, डैंड्रफ। अब आता है नेक्स्ट रीज़न कि ड्राई स्किन। ड्राई स्किन भी कॉमन कॉज है डैंड्रफ के होने का। विंटर्स में अक्सर हम देखते हैं कि हमारी स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं डैंड्रफ के होने के। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड रहे। थर्डली बात आती है ऑयली और इरिटेटेड स्किन की, तो ये कॉज होता है, जैसे कि कंडीशन होती है सिबोरिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, जिसमें कि रेड ग्रीसी स्किन हो जाती है, एंड मोस्टली आपके जो ऑयल रिच ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि आपकी नॉस्ट्रल्स की क्रीजेस हो गई, बिहाइंड द ईयर्स हो गए, आर्मपिट्स हो गए, ग्रॉइन एरियाज हो गया, इन सब एरियाज में जहाँ भी ऑयल रिच ग्लैंड्स हैं, ये सब एरियाज में अफेक्ट करता है। अब आते हैं इसके फोर्थ कॉज पे, जो कि है हेयर प्रोडक्ट्स। जैसे कि हम हेयर जेल यूज़ करते हैं, हेयर सीरम्स यूज़ करते हैं, ठीक है, हेयर स्प्रेज यूज़ करेंगे, तो अगर ज़्यादा टाइम के लिए इन्हें लगा के छोड़ दो अपने स्कैल्प पे, तो ये क्या करता है, आपके पोर्स को ब्लॉक कर देगा। तो इस वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फाइनली जो लीड करता है डैंड्रफ की तरफ। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट कॉज पे, जैसे कि अगर लंबे टाइम से कोई हेयर वॉश नहीं कर रहा, तो उस वजह से भी आपके स्कैल्प पे क्या होता है, ऑयल एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, उस वजह से भी इन्फ्लेमेशन होती है, अल्टीमेटली जो स्किन सेल्स बिल्डअप होती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, देन इट लीड्स टू डैंड्रफ। अब आते हैं इसके लास्ट कॉज में, जो कि है स्ट्रेस। ट्रस्ट मी, इट इज़ योर वर्स्ट एनिमी, क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ आपके स्किन या फिर स्कैल्प पे ही इफेक्ट नहीं करेगा, ये आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन को डैमेज कर देगा। वो कैसे करेगा, ये क्या करता है, आपके जितने भी ऑर्गन्स होंगे, मतलब जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं बॉडी में, या जितने फंगाई होंगे, जो कि अच्छे, जिन्हें गुड बैक्टीरिया एंड गुड फंगाई माना जाता है, जो कि बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है, उनकी क्या करता है, ओवरग्रोथ कर देता है, जिस वजह से डैंड्रफ हो जाता है। अब आते हैं हम सोराइसिस के कॉज के बारे में। तो स्कैल्प सोराइसिस किन कारणों से होता है, तो बेसिकली जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये हमारे इम्यून सिस्टम की डिसफंक्शनिंग के वजह से होता है, जिस वजह से जो आपके स्किन के सेल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी बनने लगते हैं, और वो एक साथ इकट्ठा होकर सोराइसिस फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इसका कॉज है जेनेटिक कॉज। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में ये चलता आ रहा है, किसी को हुआ है, तो फिर उसमें ये चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनको भी स्कैल्प सोराइसिस हो। ठीक है,
अब आते हैं हम इनकी ग्रोथ के बारे में। तो अगर हम बात करें डैंड्रफ की ग्रोथ, तो डैंड्रफ जैसे किसी एरिया में है, किसी पर्टिकुलर एरिया में है स्कैल्प पे, ठीक है हमारे, तो वो कहीं और एरियाज में आगे जाके नहीं बढ़ता है, स्प्रेड नहीं होगा, वो उसी एरिया में लिमिटेड रहता है। वहीं अगर हम सोराइसिस की बात करें तो वो क्या करता है, अदर एरियाज में भी स्प्रेड होता है, जैसे कि हमारे फॉरहेड पे, बिहाइंड द ईयर्स, ग्रोइन रीजन पे, तो वो यहाँ सब स्प्रेड करेगा हमारा स्कैल्प सोराइसिस, ठीक है। ये एक मेजर डिफरेंस है इनके बीच। अब लास्टली हम आते हैं इनके मैनेजमेंट पे। तो अगर हम बात करें कि डैंड्रफ को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो डैंड्रफ हम इजीली मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग मेडिकेटेड शैम्पूज, या फिर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हैं, या फिर आप क्या करिए कि अपने स्कैल्प का एक प्रॉपर स्कैल्प रूटीन बनाइए, स्कैल्प केयर रूटीन, तो उससे आप इसे मैनेज कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें स्कैल्प सोराइसिस के मैनेजमेंट की, तो वो क्या है, स्कैल्प सोराइसिस जैसे कि मैंने बताया ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, एक बार ये शुरू हो जाती है तो फिर आगे आगे जाके बढ़ते जाती है, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसको आप शुरुआती स्टेज में ही मैनेज करें, उसको कंट्रोल करें। तो ऐसे में वो आप कैसे कर सकते हैं, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं जो भी मैंने बताए, तो आप किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए उसके लिए। और आज के टाइम पे अगर मैं बताऊँ तो होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट और सबसे इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक प्रॉपर केस टेकिंग के साथ आपकी कस्टमाइज रेमेडी निकाली जाती है, एक इंडिविजुअलाइज रेमेडी निकाली जाती है आपके सारे सिम्टम्स लेके, और इससे आपके डिजीज पूरी तरह से परमानेंट क्योर हो जाती है, और साथ ही साथ वो दोबारा वापस भी नहीं आती। और ऐसे वीडियोज के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।